चल आगे वापस चलो। मम्मी थक गई थी खाना आने के बाद, नींद आ रही थी, मम्मी सो भी गई थी गाड़ी में। A very good morning and welcome to channel. This is your Sharjah. This is our second day in Havelock Island. Havelock Island आते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर, अंडमान और निकोबार आइलैंड आते हैं इंडिया के अंदर, और मतलब हम लोगों का सेकंड डे हैवलॉक आइलैंड में। और इस आइलैंड पे घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन जगह हैं भाई। ये चीज मेरे को वहाँ के गाइड ने बताई थी, ठीक है। जो जो लोग हैवलॉक आइलैंड में रहते हैं, जो जो लोग जा चुके हैं, वो ये मत बोला तो शार भाई तीन ही चीजें हैं, आप तो गलत बोल रहे हो, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा वीडियो के अंदर, इसका काम ही क्या है बोलने का। तो भाई ये चीज मेरे को गाइड ने बोली थी कि तीन मेन चीजें हैं, ठीक है, तो दिल पे मत ले लेना, ठीक है। ये चीज मेरे को यहाँ पे आके पता चली, क्योंकि जैसे मैं होमवर्क नहीं करता ना कभी कभी अपना कहीं घूमने से पहले, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम से करना चाहिए, मुझे रियलाइज हुआ है। क्योंकि इस आइलैंड पे सिर्फ तीन जगह घूमने की, एक रामनगर बीच जिसमें हम लोग कल गए थे, रामनगर पता नहीं जो भी है, दूसरा है काला पत्थर बीच, और तीसरा है, तीसरा कौन सा था, हाँ तीसरा एलिफेंटा बीच। तो हमको वहाँ जाना है आज, और बस दो ही जगह बची घूमने के। फर्स्ट वाली जगह पे थोड़ी बहुत वो स्कूबा डाइविंग है, स्नॉकलिंग है, वो तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ऑफ कोर्स स्कूबा डाइविंग नहीं करेंगे, जब साइलविया से नहीं हुई तो हमें सॉरी साइलविया तो हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे जो भी बोट वाली एक्टिविटीज हो, जो इजी पीजी होंगी वही सब करेंगे। और दूसरा काला पत्थर बीच है, वो फोटोग्राफी के लिए फेमस है, तो वो सब हमारा करने का प्लान है। और मम्मी आप अभी आए नहीं, और जिस रिजॉर्ट में हम लोग रह रहे हैं इधर वाईफाई नहीं चल रहा है, तो कल रात बड़ी परेशानी हुई थी हमको। लोग बाहर आके बात कर रहे थे जिसको भी फोन करना था, क्योंकि पापा के पास ये सिर्फ एयरटेल की सिम, कोई बात हम कुछ भी कांड कंप्लेन, ठीक है। और ये रहा रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट, यहाँ पे भाई साहब कल से काम ही कर रहे हैं, ये ऊपर वो लगा रहे हैं सीलिंग, और काफी ज्यादा मस्त व्यू है, काफी सुंदर है। हमारी कैब आ चुकी है, हमको जाना है। और भाई इन इधर इधर अपने जूते बाहर उतारने को बोलते हैं, तुमने बाहर उतार के अंदर रख दिए। और नितिन क्या हाल है? बढ़िया, तू बता। आईफोन ठीक चल रहा था ना? बहुत मस्त, पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं। पहली बार यूज कर रहा है ये, पहले एंड्रॉइड बचपन से यूज करता है और उसे स्विच किया ही नहीं। वन प्लस वाला लड़का है हमारा, और बहुत ज्यादा साऊ है, उसके लिए हम लड़की देख रहे हैं, मिलेगी नहीं ढूंढ रहे लड़की? आप ढूंढोगे? पहले तो शार के लिए ढूंढेंगे ना, तो ढूंढ दो मेरे को भी अभी, चलो ढूंढने चले आज इसी आइलैंड की, ढूंढते हैं। चलो, पता नहीं यहाँ पे चप्पलें बाहर क्यों उतारते हैं, मतलब फुटवेयर, आपको कुछ पता है तो बताओ। आपकी आंखों को क्या हुआ, आप ज्यादा सोसो के ऐसे डार्क हो गए हैं, कुछ हुआ है? बताओ ना, तो मम्मी को प्रॉब्लम हो रखी है, तो ठीक होगी अभी, पता नहीं सोती ज्यादा है या सोती कम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, पता नहीं भाई, इसको ठीक कराएंगे। मम्मी को हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे इसके बाद, और कुछ नहीं, अरे स्किन के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पेड़ का डिजाइन देखो, फाइनली हम लोगों ने बोट वगैरह की टिकट ले ली, और अभी हम लोग बोट में जाएंगे एलिफेंट आइलैंड। वो ये आइलैंड नहीं, यहाँ से दूर है सर। आइलैंड किधर है भाई? 800 का जो बोट है ना, ये देखिए सामने अभी भीड़ रहा है। आइलैंड आप लोग, आइलैंड किधर है? आइलैंड सर ये भी तो आइलैंड है सर ना, जिसपे हम जा रहे हैं तो वो लाइट हाउस से उस तरफ में 7 किलोमीटर बहुत दूर है। 60 किलोमीटर? 7 मुझे लगा 7 में तुम फरीदाबाद पहुंच जाते, 60 में। यहाँ से हम लोगों ने 4,000 रुपए की, मतलब 1,000 रुपए की इंडिविजुअली टिकट कराई। हाँ बताते हैं, बहुत खर्चे हो रहे सुबह से, पता है, बताएंगे हम भी। वो हमारी बोट आ रही है, हमें वहाँ तक तैर के जाना है। नहीं होगा। और भाई पानी देखो कितना साफ है, वेरी नाइस। ये नहीं पहनूंगी, पहननी पड़ेगी, गंदा लग रहा है, पहननी पड़ेगी, सबको पहननी है ये। क्या हो गया? सांस भी नहीं ली जा रही। सांस भी? अरे लो ना, सांस पूरी लो। मम्मी फनी लग रही है। बीच का पानी साफ है, बस यहाँ पे घुटके ही घुटके हैं। चलो, क्या हो गया? आपको तो आता था तैरना, मम्मी हुआ क्या आपको? हाँ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, गिरोगे? पकड़ तुझे। मम्मी नहीं गिरोगे? मम्मी को डर लग रहा है भाई पूरा। गर्म है भाई। मम्मी कैसे आओगे? बैग दो अपना, पर्स दो, पर्स दो, पर्स गिला होएगा। उधर बैग पकड़ो। मम्मी का मुश्किल हो रहा है। मम्मी कह रही कहाँ ले आए, कैसा लगा आपको? अब उतरना भी है मम्मी ऐसे, और फिर से चढ़ना है, फिर से उतरना है। चप्पल नीचे छोड़ दो ना। एक्साइटेड? यस वेरी मच। मम्मी सेंटा क्लॉज बन के बैठी है। नितिन तो एक्साइटेड है। हाँ बहुत ज्यादा। फोन चला रहा है इसको, आपने बोला ना फोन नहीं चाहिए इसको, ये फोन ही चला रहा है सारा टाइम। थोड़ी भाई पानी कितना ज्यादा साफ है, क्या करोगे? बस थक गए मम्मी, थक गई मेरी, वापस ले लो इस बोट को। मैम अपना अपना जैकेट खोल लीजिए।
यहाँ पे एलिफेंट है? दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं मतलब है नहीं। अच्छा फॉरेस्ट के अंदर है। पानी को देख के अलग और कैसा हो रहा है। मम्मी मम्मी कल तक उतर जाओगे? वो कैफी तो उतरवाया उसकी। अरे ठीक है, मम्मी कह रही उसको नंगा भेजो पानी में। तो नितिन कर रहा है स्नॉर्कलिंग भाई डीप वाली। तो एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड भैया, पहली बार ही कर रहा है, ठीक है ध्यान रखना इसका। चल कैसा था? बहुत मजा आया। क्या क्या दिखा नीचे? सारे फिश थी, बहुत सारी फिश थी, कोस्टल एरिया था। भाई अभी हम लोग आए हैं जस्ट, एक एक फोटो निकालो, आपकी फोटो निकालो। चलो 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 लाओ भाई, भाई निकाल रहा पानी में डालेगा अभी। भाई इसको ना मेक इट वेट। नाइस, पापा भी चले गए। अरे नहीं गिरेगी भाई, टाइट है ये। खतरनाक चलाते हैं। कैसे लगा आपको जेट्स की? बहुत बढ़िया, मजा आए है ना? घुमा दिया उसने, उस भाई ने पूरा घुमा दिया था हमको, गिरने वाले हो गए थे। मम्मी आपको करना, पापा के पालतू पापा तो बताइए घूम रहा है भाई। ये सारी राइड्स हैं जो गोवा में भी होती है। अभी मैं और नितिन चल पड़े हैं सी प्लेन में, तो भाई इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग, उड़ेगा हवा में, हम भी उड़ेंगे, हमारा ज्यादा उड़ गया तो लग जाएगी हमको। आगे बैठे पीछे बीच में, दोनों भाई बीच में आ गए हम। तो मेरे पैर यहाँ पे लॉक हो गए हैं। चेंज नितिन तेरे को नहीं करना लॉक, कह रहे पीछे लगे जरूरत ही नहीं है, उड़ता है। तो भाई ये जहाज है, ये उड़ेगा, हमारी फाड़ेगा। तो यहाँ पे सारी ना एक्टिविटीज है, जैसे इसको बोलते हैं डिस्को राइड, वो पता नहीं क्या है, तो ऐसे सारी बोट्स है। तो यहाँ पे आप लोग 3 घंटे के लिए आते हो इधर, ठीक है, बोट में आते हो। बोट पर पर्सन लेती है 1000 रुपए और आना जाना है, ठीक है। उसके अंदर स्नॉर्कलिंग इंक्लूड है 5 मिनट की। जो दूसरी चीज है वो है यहाँ पे सारी एक्टिविटीज इज 600 रुपीज, मैं डॉलर्स बोल रहा था। तो आप जो भी करोगे वो 600 रुपए का होगा, और आपको पर्ची वहां से कटानी होती है उस आइलैंड से। यहाँ पे भी कटा सकते हैं, भीड़ होती है तो बहुत महंगा है सब, बट ठीक है मजा आता है, ठीक है। और जो हमारे टिंटिन ने अभी हमें स्नॉर्कलिंग करी थी वो एक्स्ट्रा पैसे देके करी थी, और वो आगे डीप में ले गए थे इसको, बिल्कुल जलपरी बन के आया बाहर। और ये देखो जैसे ही किसी को जैसे जैसे सोफे पे बैठ जाओ अपने आप वो धक्का दे, मतलब मेरे गोडे जल रहे हैं, ताऊ जल्दी ले जाओ भाई। शुरू हो गया, गिर मत जाइयो भाई। डर लग रहा है, 600 रुपए ज्यादा थे। उतार उतार दे वापस, धीरे चला ओ भाई, धीरे मैं पकड़ के बैठी हो। आगे आगे ओ भाई, उड़ गए उड़ गए। भाई ऐसा लगता है पूरी बोट पलट गई हमारी भाई, फट गई फट गई। कैसा लगा? कैसा लगा? मजे तो आए, मजा आ गए। फाड़ दी भाई इसने, कहाँ गया बोट वाला, कहाँ गया, यही था, इसने बोट यहीं छोड़ दिया हमारी, उड़ा दिया, मेरा तो पेट में दर्द हो गया भाई। फाइनली हमारी बोट आ गई, इट्स टाइम टू गो। शेर बन के मम्मी को चप्पल की टेंशन है, चप्पल गंदी हो जाएगी। अरे नहीं पल, बोट 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 पलट जाएगी मम्मी, आपको नहीं होगा कुछ। वापस जाने का टाइम भाई, धूप फिर पूरी सिर पे आ रही है। भाई शिफ्ट देखो, इसके नीचे से निकलता है, तारों के नीचे से आए हैं, मुंबई से आए हैं। मजा आया आपको? मजा आया? मैं गर्मी कह रहे थे बेकार है, घर जा रही हूँ, मेरे को मत लेके आना आज के बाद। ये कौन कह रहा था? मैं कह रहा। मजा है, बहुत मजा है। चलो मैं यही उतर जाओ पानी में, थोड़ा स्विमिंग कर लो। वही फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड, और हम सबसे पहले करेंगे रिफंड, क्योंकि जो हमने एक्टिविटीज़ करनी थी ना उसकी हमने टिकट यहीं से ली थी। तो हमने 10 टिकट ले ली थी, विच वॉज 6000 रुपीज़। हमने सिर्फ वहाँ पे 5 एक्टिविटीज़ करी, तो जो बची हुई 5 एक्टिविटी थी उसका हम रिफंड करेंगे, 3000 रुपये वापस लेंगे। मैं डॉलर्स कह रहा था। मम्मी क्या हो गया? आलू मटर।
फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और पेट भर चुका हमारा। शर्ट बंद कर लो, लोग बोल समझेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से काला पत्थर बीच देखने के लिए। बहुत थक गए सुबह से, फिर भी घूम के रहेंगे। आखिरी प्लान मतलब पूरा हमारा ना आइटनरी तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं काला पत्थर बीच, जहाँ पे एक भी पत्थर काला नहीं है, सब वाइट है। बोलते काला पत्थर बीच है, हिम्मत मेरे को कितना अच्छा चटक हो गया। अबे एक भी पत्थर काला नहीं है इधर, नाम ही है खाली, है ना, नाम है बस। बिल्कुल साफ है, लाइट ब्लू पानी इधर डार्क ब्लू ऐसे मिक्स हो रहा है। इससे भी बड़ा देखा है, देख के आए हो लेकिन क्या बीच और क्या फिर वही ले आए बीच पे। सारे मम्मी सेम ही होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है 10,000 बीच है। आप पूरी उम्र एक एक जाओगे ना, पूरी डेली एक एक जाओगे ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कवर करने में। हाँ है ना, तो बोलो नहीं लगता बीच तो सारे सेम ही होते हैं, उधर से लगता है अलग कुछ नहीं। यहाँ पे क्रेशर है, इस बीच पे हवा भी नहीं चल रही, पानी बहुत ज्यादा सुंदर है। भाई हो गया हमारा काला पत्थर का शौक पूरा, घर चलो वापस। उस तरफ भी काफी हुआ है। हाँ उधर पूरा ब्लू है, डार्क ब्लू है, और मेरी आंखें नहीं खुल रही, चश्मा बैग में पड़ा है। आपको पता थक भी जल्दी जाता हूँ, मुझे स्टैमिना बहुत है। तो भाई इसके बाद हम लोग रिजॉर्ट आए और सो गए थे, ठीक है। मेरे को एक चीज आप लोगों से पूछनी है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं मीटअप करूं, ठीक है, इंडिया में? अगर आप लोग चाहते हो तो आप कौन सी सिटी से हो, कहां से, मतलब मेजॉरिटी, मतलब समझ रहे हो आप लोग कहां से हो, वो नीचे कमेंट करो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो कि तुषार भाई यहां पे मीटअप करो। और गुड़गांव दिल्ली में तो मेरे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है, 100%, बट उससे दूर जैसे अगर मुंबई हो गया, गुजरात साइड हो गया, तो थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगेगा, ठीक है, कोई भी और साइड होगी, बट आई स्टिल ट्राई माय बेस्ट। अगर ऑडियंस बहुत ज्यादा है वहां से तो आई विल कम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और कमेंट करो नीचे कौन सी सिटी से हो, कहां से आप लोगों। I'm really sorry, वीडियो एक दो दिन का डिले हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे संभाल लो, ठीक है, अभी मैं ढंग से डाल रहा हूं वीडियोस। हमेशा मैं ऐसे बोलता हूं, करता तो हूं नहीं, बट भाई समझा करो मेरे दिल की बात। और आलसी है मतलब मैं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं चलेगी तो लाइक कर देना, बस 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 सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं क्या फंस गया हूं मैं। लव फ्रॉम गुड़गांव बॉयफ्रेंड। आपको पानी में जाने का मन नहीं है? मेरा बहुत मन है। बोट वाले को मम्मी कह रही इधर ले, इधर यहां कहां पे खड़ी करते हैं हमारे आगे। मेरे कपड़े कपड़े के लेवाएंगे, कपड़े कपड़े के लोने का भी डर है।